हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिस जोन। आप सबको माय मिस जोन की तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर मैं आपके लिए धनिया पंजीरी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप मंदिर में प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करते हैं। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं धनिया पंजीरी। इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं क्योंकि ये फलाहार में ही आता है। ये जल्दी ख़राब भी नहीं होती है, इसे आप बना कर रखें और जब भी मन करे आप इसे खा सकते हैं। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। धनिया पंजीरी बनाने के लिए मैं एक कढ़ाई में 1 टेबल स्पून देसी घी लूँगी। इसमें मैं 50 ग्राम के करीब फूल मखाने डालूँगी, उसे मैं रोस्ट कर लूँगी। और इनको मैंने पहले से ही छोटा छोटा काट लिया है क्योंकि मुझे इसको ग्राइंड नहीं करना है और अच्छे से रोस्ट कर लेना है। अब फूल मखाने रोस्ट हो चुके हैं, इसे मैं अलग बर्तन में निकाल लूँगी। उसी कढ़ाई में मैं 2 टेबल स्पून जो है वो देसी घी लूँगी, उसमें मैं बादाम जो है उनको रोस्ट कर लूँगी। बादाम को मैंने पहले से ही थोड़ा थोड़ा काट लिया है क्योंकि मुझे इसको भी ग्राइंड नहीं करना है। अब मैं इसमें कटे हुए काजू डालूँगी, उसे भी मैं रोस्ट कर लूँगी। जब बादाम 50% रोस्ट हो जाए इसमें मैं मेलन सीड डालूंगी क्योंकि मेलन सीड को थोड़ा सा ही हमने रोस्ट करना है, जैसे ये चिटकने की आवाज़ आए बस उसी टाइम आपने बंद कर देना है फ्लेम को नीचे से। और हाँ, सारे ड्राई फ्रूट को आपने हल्की आंच पर ही रोस्ट करना है, वरना ये नीचे से जल जाएगा और टेस्ट भी इसका ख़राब हो जाएगा। इसी कढ़ाई में मैं 1 टेबल स्पून देसी घी दोबारा से लूँगी और उसमें मैं 1 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा डालूंगी और उसे हल्का सा ही रोस्ट करूंगी क्योंकि इसको ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब कोकोनट रोस्ट हो चुका है, इसे मैं अलग बर्तन में निकाल लूंगी। अब फिर से मैं कढ़ाई में 2 से 3 टेबल स्पून देसी घी लूंगी और उसमें 100 ग्राम्स के करीब धनिया पाउडर डालूंगी और उसे रोस्ट करूंगी। इसे हल्की आँच पर ही रोस्ट करना है, जब तक इसमें से धीमी धीमी खुशबू ना आ जाए तब तक इसे रोस्ट करें। अब इसमें से अच्छी खुशबू आने लगी है, बस इसी वक्त पर मैं नीचे से फ्लेम बंद कर दूंगी। अब आपको एक बाउल लेना है जिसमें आप सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर सकें। मैंने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाला है जो मैंने रोस्ट किया है। अब मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ। इसी वक्त पर मैं इसमें थोड़ी सी किशमिश भी डाल दूंगी क्योंकि किशमिश को तो हमने रोस्ट करना ही नहीं था, इसे भी हम बीच में मिक्स कर देंगे। इसमें वो सारा ड्राई फ्रूट जो हमने रोस्ट किया था वो भी हम इसमें डाल देंगे। हमने काजू किए थे, बादाम किए थे, मेलन सीड किए थे, फूल मखाने रोस्ट किए थे, वो सारे मैं इसमें डालकर मिक्स कर दूंगी। कटोरी मैंने पाउडर शुगर ली है, इसे भी मैं इसी में मिक्स कर दूंगी। मुझे ये पंजीरी थोड़ी सी ड्राई लग रही है इसलिए इसमें मैंने गरम घी डाल दिया है और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी इसमें। अब हमारी धनिया पंजीरी बनकर रेडी है। इसका कलर भी बड़ा अच्छा है, खुशबू भी बड़ी अच्छी आई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।